हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम सभी लोगों में से ऑलमोस्ट सभी के पास ये नॉर्मल वाला ड्राइवर रहता है जो देखने में काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूँ एक ऐसा कोड नेम जिसके मदद से पुराना वाला ड्राइवरवा को लात मार के गेम से बाहर निकाल दोगे। तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक बताएंगे ये भला कोड नेम क्या है और इसको ऐड कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले अगर नया लोग कोई चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आपको मेरा चैनल के ऊपर बस सिमुलेटर यूनेशिया गेम से रिलेटेड ही वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम गेम के अंदर। अब मैं इसका ड्राइवर को उतार के दिखाता हूँ, कोड नेम ऐड करने के बाद अपना ड्राइवर कैसा दिख रहा है। तो मैं पहले हैंड ब्रेक लगाता हूँ और यहाँ से अपना ड्राइवर को उतार लेता हूँ। देखो अपना ये ड्राइवर को देखो, कितना बिजोर का देखने को मिल रहा है। पहले वाला जो नॉर्मल गेम के अंदर जो ड्राइवर रहता है उससे एकदम बिल्कुल हट के ये ड्राइवर बन चुका है। और ये है अपना थार। अगर आप सबको चाहिए तो इस पर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप लोग अपना चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा मोड है, आप लोग मोड ऐड करते करते थक जाओगे फिर भी अपना चैनल का मोड ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग जाओ होम पेज पर देख लेना और डाउनलोड कर लेना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल अपना टॉपिक पर वापस आते हैं। देखो अपना ये ड्राइवर को देखो, अभी मैं इसको नचा के बताता हूँ। आप लोग ड्राइविंग करते करते अगर बोर हो जाते हो तो ये बहुत अच्छा इंटरटेन करेगा आपको। चलो मैं यहाँ से नचाता हूँ इसको। यही वाला एनिमेशन बटन पर टैप करना, एक मतलब आदमी जैसा स्केच जैसा ये बना हुआ है, इस पर आप सबको टैप कर देना है, बस इस ये अपना काम करना शुरुआत कर देगा। देख सकते हो आप लोग, ए पूरा दम कमरिया ठुमका रहा है, देख सकते हो। क्या नाच रहा है भाई साहब, मैं इधर से दिखाता हूँ आप सबको। देखो मज़ा आ गया दोस्तों, आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। फिलहाल अब बताते हैं इसको ऐड कैसे करना है। ये ड्राइवर का कोड नेम को ऐड करने से पहले सबसे पहले आप सबको अपना फ़ोन के फाइल मैनेजर में आना है, उसके बाद आर्चिवेज का सेक्शन में आ जाना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप सबको देखने को मिल जाएगा आपका फाइल डाउनलोड किया हुआ डांसर ड्राइवर कोड नेम। तो इस पर सिंपली आप सबको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रेट ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करके आपको जो फोल्डर याद रहता है वो फोल्डर में इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रेट करना है। मेरा तो हमेशा जीप वाला फोल्डर याद रहता है, तो चलो मैं इसमें ऐसे एक्सट्रेट कर दिया। यहाँ से इसका काम ख़त्म हो चुका है, अपना फाइल एक्सट्रेट हो चुका है। यहाँ से ऐसे आप सबको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप सबको जार्चवेयर का ऐप में आ जाना है। जार्चवेयर ऐप में आने के बाद दोस्तों आप सबको एंड्रॉयड का फोल्डर देखने को मिलेगा, सिंपली आप सबको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद ओवीवी के ऊपर क्लिक करना है, कॉम कॉम मेलियो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ओवीवी देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर ऐसे एक बार टैप कर देना है और यहाँ पर भी ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद एसेट बीन डेटा पर क्लिक करना है। अब आप इसका डेटा के अंदर एंटर कर चुके हो तो नीचे एक प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली इस पर आप सबको क्लिक कर देना है और सबसे ऊपर पर क्लिक करना है। और आप सब जो फोल्डर में अपना फाइल को कोड नेम को एक्सट्रेट करके रखे होंगे वो फोल्डर आप सबको खोज लेना है। मैं जीप वाला फोल्डर में एक्सट्रेट किया था तो मेरा जीप वाला फोल्डर यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो मैं सिंपली इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, उसके बाद देखो डांसर ड्राइवर कोड नेम आ चुका है। मैं सिंपली इस पर ऐसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर तीन फोल्डर मिलेगा। तो पहले सबसे पहला वाला फोल्डर को क्लिक करना है और यहाँ पर एक कोई फाइल पर ऐसे प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। देखो यहाँ पर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके इसको ऐसे ऐड कर देना है। जब ये ऐड हो जाएगा उसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है, फिर से इस पर आना है, फिर से अपना जिप फाइल में आना है, मतलब जिस जो फोल्डर में आप लोग एक्सट्रेट किए हैं, फिर से डांसर में आना है और दूसरा नंबर वाला को भी ऐसा ही ऐड करना है। सिंपली इस पर ऐसे एक पर कोई पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके यहाँ से ऐड कर देना है। फिर एक बार और आना है तीसरा वाला फोल्डर को भी, वैसा ही यहाँ पर किधर गया, इसको ऐसे सेलेक्ट करके ऑल पर क्लिक करके ऐड कर देना है। बस इतना ही काम था, उसके बाद आपका ये जो ड्राइवर का कोड नेम है डांसर ड्राइवर का ये ऐड होके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बता दूं आप सबको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग इजीली जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सबको डाउनलोड करने ना आए तो आप लोग मेरा हाउ टू डाउनलोड वाला वीडियो देख लेना,
वो वीडियो देखने के बाद आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलो अब आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। चैनल पर कोई नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर बाय बाय दोस्तों।